गांधरबल जिले के काउचरवन इलाके में करोड़ों रुपए खर्च करके 10 वर्ष कबल एक वाटर सप्लाई प्लांट तामीर किया गया, तहम आज तक इसे शुरू ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को गोनागो मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई प्लांट मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद उसे शुरू ही नहीं किया जा रहा। खसाना पति, आवान मोहल्ला, चौहान मोहल्ला और लोन मोहल्ला के लोगों का इल्जाम है कि वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुकामी लोगों ने वैली ऑनलाइन को बताया कि उन्होंने इस बारे में कई बार आला हुकाम से बात की कि अगर तामीर का काम सदी कबल मुकम्मल हो चुका है, फिर इस प्लांट को चालू करने में इस कदर लाइट और लाल का क्या फायदा है। मुकामी आबादी का कहना है कि आला हुकाम दो दिन एक हफ्ते का बताकर अब तक 10 साल में इसे चालू ही नहीं कर पाए। इस हवाले से मुकामी लोगों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि वाटर प्लांट को फौरन शुरू किया जाए। इधर एडब्ल्यू कंगन अफरोज अहमद ने वैली ऑनलाइन से बात करते हुए बताया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 90% मुकम्मल हो गया था, तब फंड्स की कमी की वजह से बाकी काम रुका पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बैक टू विलेज प्रोग्राम में उसे मंजूरी मिली है और उम्मीद है कि इमसाल ये शुरू हो पाएगा। आप देख रहे कंगन से वैली ऑनलाइन के लिए बेगर शाद की यह खसूसी रिपोर्ट। पिछले 10 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बन के तैयार है, लेकिन हम बार बार इनको इस्तेदा कर रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करो, लेकिन पता नहीं हमारी बदकिस्मती है, इस इलाके की बदकिस्मती है, या हमारे साथ कोई सुतेला सलूक किया जा रहा है जिसकी वजह से आज तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा हम गंदा पानी पी रहे हैं, आपने देखा यहाँ जानवर मरे हुए हैं, वही पानी हमें जा रहा है, आपने देखा कि हम वही पानी पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं उस पानी से। आज इस दौर में, कोरोना के दौर में, जबकि रात भी ऐलान होता है, दिन को भी ऐलान होता है, भाई साफ़ चीज़ें खाओ, साफ पानी पियो, लेकिन हमें पिछले 10 साल से कोई पानी मैसर नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए हैं, बन के तैयार है, लेकिन 10 साल से बैठा है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं, ख़ासकर मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुदाखलत करें इसमें और हमें साफ़ पानी दें। मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं सतरना में रहने वाला हूँ, और हमें पानी की बहुत अशद ज़रूरत है, इसलिए पानी हमें कुछ है नहीं है, पानी की बहुत तंगी है, हमें गंदा पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं कोरोना है, कोरोना है, कोरोना किससे होता है? कोरोना की यही वजह है कि हमें गंदा पानी पी रहे हैं। हमें क्या फिर कौन सी बीमारी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि बीमारी नहीं है, ये है वो है, बीमारी इसी से पड़ती है और क्या होता है। तो इसलिए हमें मेहरबानी करके हमें साफ़ पानी दिया जाए, और फिल्ट्रेशन प्लांट बनाई हुई है उसमें पानी है नहीं है कुछ भी, अभी कह रहे हैं कि पानी दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और देखो अब इसमें कनाल में घोड़ा है और जो भी होगा गंदगी वो इसी में होती है, वही पानी हमें दिया जाता है। अब मेहरबानी करके कि हमें पानी साफ़ दिया जाए।